हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में क्या होता है, क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, क्या उसकी एडवांटेज है, क्या उसके फीचर्स हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि टेबल जो है कितने तरीके की होती है, सारणियों के प्रकार कितने तरीके के होते हैं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको अलग ही रखा है। आज आपका लिखने का कोई काम नहीं है, समझने का ही काम है केवल, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ईजी है, छोटी वीडियो, बहुत ही जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, टेबल की अगर बात करें, टेबल तीन तरीके की हो सकती है। एक तो होती है उद्देश्य के अनुसार, एक होती है मौलिकता के अनुसार, और एक होती है बनावट के अनुसार, ठीक है। ये दोनों तो ओरली अभी आपको ऐसी समझ में आ जाएगा। देखिए, उद्देश्य के अनुसार के अंदर जो सबसे पहली टेबल होती है, एक तो होती है सामान्य उद्देश्य सारणी, इसको संदर्भ सारणी भी कहते हैं, और दूसरी होती है विशेष उद्देश्य सारणी, जिसको सारांश सारणी भी कहते हैं, ठीक है। जो अब आती है सामान्य उद्देश्य सारणी, ठीक है। सामान्य उद्देश्य सारणी कौन सी होती है, मतलब कि सिंपल सी बात है, एक ऐसी टेबल, एक ऐसी सारणी जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनाई गई है, ठीक है। वो सारणी जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनाई गई है, मतलब वो जो सारणी है उसको हम किसी भी सामान्य प्रयोग के लिए जो है उसका यूज हम कर सकते हैं, उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उसके हम किसी भी पर्पस के लिए हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसका कोई ये कह सकते हो जैसे कि मान लीजिए इससे आपको कोई एक चीज का पता नहीं चलेगा, इससे आपको जो है मल्टीपल चीजों का पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो जनगणना रिपोर्ट होती है, जनगणना रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, उससे क्या हमें केवल ये पता चलता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, नहीं, उससे हमें जो है भाई लोगों की इनकम कितनी है, लोगों का बिजनेस कितना है, क्या काम करते हैं, क्या एज ग्रुप है, क्या ब्लड उनका ब्लड ग्रुप है, बहुत सारी चीजें आपको जो है पता चलती हैं। तो वो सारणी, वो टेबल जिससे हमें जो है मल्टीपल तरीके की सूचनाएं ये मिल जाती हैं, उसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य सारणी, जिसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन एक होती है विशेष उद्देश्य सारणी, इसका नाम ही पता चल रहा है, इसको सारांश सारणी भी कहते हैं। विशेष उद्देश्य का क्या मतलब है कि वो सारणी जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है, जिसका यूज केवल उसी ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है और अन्य किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हो सकता। अब सिंपल सी बात है, ये केवल एक ऑब्जेक्ट के लिए है तो ये छोटी होगी, और ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं, तो ये एज कंपेरिजन जो है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। इसमें आंकड़े बहुत ज्यादा विस्तृत होते हैं, लेकिन इसमें जो है आंकड़े इतने ज्यादा विस्तृत नहीं होते हैं, ये तो बहुत छोटी सारणी होती है, ठीक है। इसलिए इसको जो है सारांश सारणी भी जो है कहते हैं, मतलब सारांश का मतलब होता है स्पेशल पर्पस कह सकते हो, ठीक है। जो किसी अपनी एक समरी, मतलब आज जैसे आपका कोई पैसेज होता है, आज जैसे आप नोट मेकिंग आता है बनाने के लिए, तो उसमें एक समरी भी लिखनी होती है, तो हम क्या करते हैं, इतने बड़े पैसेज को इतना सा करके लिख देते हैं, तो हमने क्या करा है, उसका समरी निकाल दी, सारांश निकाल दिया। तो सिंपल सी बात है, उद्देश्य के अनुसार दो तरीके की होती है, एक होती है सामान्य उद्देश्य, एक होता है विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बनी गई है, और विशेष उद्देश्य जो किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनी गई है। ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है, इसमें विस्तृत सूचनाएं होती हैं, इसमें विस्तृत सूचनाएं नहीं होती हैं। बात करते हैं दूसरी की, मौलिकता के अनुसार। मौलिकता के अनुसार दो तरीके की होती है, एक होती है मौलिक या प्राथमिक सारणी, दूसरी होती है व्युत्पन्न सारणी। ये बहुत ही ज्यादा आसान है। बात करें अगर मौलिक या प्राथमिक सारणी, ये कौन सी होती है, गाइस सिंपल सी बात है कि जैसा आपने डेटा कलेक्ट किया था बिल्कुल वैसे का वैसे ही आपने क्या करा, अपनी टेबल के अंदर पुट कर दिया, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं करा, मतलब जिस तरीके का आपका ओरिजिनल डेटा था आपने बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो बिल्कुल वैसे ही जो है चेप दिया, कुछ भी नहीं करा, उसको कहते हैं प्राथमिक सारणी या मौलिक सारणी। लेकिन दूसरा होता है व्युत्पन्न सारणी। अब यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि जैसा का जैसा, अब मैंने बोला जैसे का जैसे डेटा लाए थे वैसे बना दिया तो वो मौलिक है। व्युत्पन्न का मतलब ये नहीं है कि दूसरा डेटा या कोई फेक डेटा, व्युत्पन्न का मतलब है कि जो आप डेटा लाए थे अब आपने क्या करा, बिल्कुल वैसा प्रेजेंट नहीं करा, अब आपने क्या करा, उस डेटा का प्रतिशत निकाल दिया, अनुपात निकाल दिया, और प्रतिशत और अनुपात निकालने के बाद फिर आपने जो है उसको रिप्रेजेंट करा। इसको कहते हैं ड्राइव्ड टेबल, कि जब आपने जो आपने आंकड़े एकत्रित किए थे
आपने उसको आंकड़ों को उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करा, उससे फिर अदर कोई इन्फॉर्मेशन निकाली, फिर उसको प्रेजेंट करा, पहले उसका परसेंट निकाला, उसका अनुपात निकाला, फिर उसने आपको दिखाया, तो उसको कहते हैं व्युत्पन्न सारणी। अब तीसरी होती है बनावट के अनुसार। ये क्या दिक्कत है, ये दो तरीके की होती है, एक तो होती है सरल या एक गुण सारणी और दूसरी होती है जटिल सारणी। ठीक है, ये आपको समझनी है, ये आपको समझने के लिए है थोड़ी, ठीक है, ये एग्जाम में आ जाती है बहुत ही बारी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक गुण सारणी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो टेबल जो केवल एक ही गुण बता रही हो उसको कहते हैं एक गुण। इनके नाम से पता चल रहा है, वो टेबल जो एक गुण बता रही हो, वो टेबल जो दो गुण बता रही हो, वो टेबल जो तीन गुण बता रही हो और वो टेबल जो तीन से ज्यादा गुण बता रही हो उसको बहुगुणी सारणी कहते हैं। ठीक है, ये जटिल सारणी के टाइप है, ये एग्जाम में आ जाती है बहुत बारी कि जटिल सारणी क्या होती है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है और ये तीन तरीके की होती है। तो एक गुण जो एक गुण बता रही हो, देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा क्लास, ठीक है, और मैंने लिखा स्टूडेंट विद्यार्थी। तो भाई मैंने देखिए मैंने यहां लिख दिया 8th, 9th, 10th, 11th, ठीक है, और बच्चे लिख दिए मैंने यहां 100, 200, 300, 400। तो ये कौन सी सारणी कहलाएगी, केवल एक ही चीज के बारे में बता रही है कि भाई क्लास स्टूडेंट कितने हैं। बस देखिए ये मैंने लिख दी क्लास 8th, 9th, 10th, 11th और यहां मैंने लिख दिया स्टूडेंट। तो ये जो सारणी कहलाएगी, ये जो टेबल कहलाएगी, ये कौन सी टेबल कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी एक गुण वाली सारणी। ठीक है, क्योंकि केवल क्या बता रही है, केवल एक गुण बता रही है। अब मैं बात करूं अगर दो गुण के बारे में, तो अब की बार क्या करेगी हमारी टेबल, दो गुण बताएगी। ठीक है, क्या क्या दो गुण बताएगी, देखिए जैसे कि सेम ये लिया मैंने, क्लास ली मैंने 8th, 9th, 10th, 11th, ठीक है, ये ले लिया। और अब की बार मैंने क्या करा, अब की बार स्टूडेंट तो लिए मैंने, लेकिन अब मैंने उस स्टूडेंट को भी क्या कर दिया, बॉयज और गर्ल्स, मैंने क्या करा उसकी कैटेगरी डिवाइड कर दी। तो अब आपकी जो सारणी है वो दो चीजें बता रही है कि एक तो स्टूडेंट कितने हैं और उसमें भी बॉय है या गर्ल है, ये बता रही है। ठीक है, और यहां मान लीजिए मैंने योग भी लिख लिया टोटल, तो ये कौन सी सारणी हो गई मेरी, ये हो गई मेरी द्विगुणी। जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 40, 30, 20, 10 और इसका टोटल कर दीजिए 50, 50, 50, 50, तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई मेरी द्विगुणी सारणी। द्विगुणी सारणी एक ऐसी सारणी होती है जो ये कह सकते हो दो चीजों के बारे में विशेषताओं को प्रकट करती है, उसको द्विगुणी आंकड़े कहती हैं। मतलब वो सारणी जो आंकड़ों की दो विशेषताओं को दिखाती है वो द्विगुणी है, जो केवल आंकड़ों की एक विशेषताओं को दिखाती है वो एक गुणी है, जो आंकड़ों की तीन विशेषताओं को दिखाती है वो त्रिगुणी है। देखिए यही ऊपर वाला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, त्रिगुणी के लिए भी मैंने लिया कक्षा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट विद्यार्थी, और मैंने यहाँ पे लिया था बॉयज, ठीक है, फिर मैंने लिया था गर्ल्स, ठीक है, और बॉयज गर्ल्स चलो यही लिख लीजिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो अब मान लीजिए मुझे त्रिगुणी बनानी है, अब देखिए कैसे बनेगा। अब मैंने बॉयज में भी क्या कर दिया, बॉयज के अंदर भी कैटेगरी बना दी, बॉयज के अंदर भी मैंने कैटेगरी बना दी, गर्ल्स के अंदर भी मैंने क्या बना दी, कैटेगरी बना दी। क्या कैटेगरी बनाई मैंने, देखिए मैंने बनाई मैरिड, अनमैरिड, टोटल, मैरिड, अनमैरिड और टोटल। तो अब मेरी सारणी क्या कर रही है, अब मेरी सारणी जो है वो कितने के बारे में बता रही है, तीन गुणों के बारे में बता रही है। ठीक है, यहाँ डेटा को फिल कर दीजिए कुछ भी, 10, 20, 30, ठीक है, 20, 10, 30, 5, 10, 15 और 10, 5, 15, यहाँ पे फिल कर दीजिए 5, 6, 11, 6, 4, 10, 4, 3, 7, 7, 3, 10। तो ये कौन सी सारणी हो गई मेरी, ये हो गई मेरी त्रिगुणी सारणी। क्यों, क्योंकि ये किसके बारे में बता रही है, ये अब मुझे बता रही है तीन गुणों के बारे में। ठीक है, अब अगली जो होती है वो है बहुगुणी। बहुगुणी का क्या मतलब होता है कि ऐसी सारणी, ऐसी सारणी जो क्या करती है,
मल्टीपल वो बताती है, तीन से ज्यादा गुणों में, तीन से ज्यादा गुण बताती है उसको कहते हैं मल्टीपल सारणी। ठीक है, सिंपल सी बात है, देख लीजिएगा, आसान है, ज्यादा कोई ऐसा हुआ नहीं है। अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है हमारा, ये है आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणी प्रस्तुतिकरण। गाइज मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि आंकड़ों का वर्गीकरण हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एक होता है गुणात्मक, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है बहुत अस्थाई, एक होता है स्थानिक, भौगोलिक, क्रोनिकली, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आपको पता होनी चाहिए। तो आंकड़ों के वर्गीकरण के अनुसार हम किस किस तरीके से टेबल बना सकते हैं। सबसे पहला होता है गुणात्मक, जब हम डेटा को जो है नंबर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, जब हम डेटा को नंबर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, केवल ये कह सकते हो ग्रामीण, शहरी, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, इसको इन इन सब चीजों को क्या कहते हैं, इन सब चीजों को हम कहते हैं गुणात्मक। ठीक है, तो उसको कहते हैं गुणात्मक सारणी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कर दिया ग्रामीण, शहरी, स्त्री, पुरुष, ऐसे कर दिया, लेकिन ये जो डेटा है ये गाइज इमेजिनरी है, काल्पनिक है, गुणात्मक वाला कभी भी जो है नंबर में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, जो नंबर में रिप्रेजेंट हो सकता है उसको जो है मात्रात्मक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ अंक लिख दिए और मैंने यहाँ विद्यार्थी लिख दिए, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कि 10 से 20 में कितने बच्चों के नंबर है, 3 के, 20 से 30 में 5 बच्चों के, 30 से 40 इतने, 40 से 50 इतने, तो ऐसी सारणी क्या कहलाएगी, मात्रात्मक। मात्रात्मक सारणी वो होती है जो नंबर में प्रेजेंट हो सकती है, गुणात्मक वो होती है जो नंबर में नहीं, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, इन सब चीजों में जो होती है। उसके बाद है आंकड़ों का अस्थाई वर्गीकरण। आंकड़ों का अस्थाई वर्गीकरण मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली जब हम तालिका बनाते हैं, जैसे वर्ष 2001, 2002, 2003, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अस्थाई वर्गीकरण। 2001 में इतनी प्रोडक्शन थी, 2 में इतनी थी, 3 में इतनी थी, तो ये कौन सी है, ये है आपकी अस्थाई। और एक होती है स्थानिक। स्थानिक मतलब जैसे कि मैंने बताया के लाइक अब की बार मैंने क्या लिया, जैसे तालिका 4 विश्व के विभिन्न देशों में भारतीय विद्यार्थी। स्थानिक मतलब जब प्लेस से, कि जैसे यूएसए और आपका यूके, जापान, इंडिया, इसके अंदर कितनी प्रोडक्शन थी, मतलब जब स्थान के बेस पे बनती है तो स्थानिक कहलाती है, जब टाइम के बेस पर बनती है तो अस्थाई कहलाती है, जब डेटा के बेस पे बनती है तो मात्रात्मक कहलाती है, जब गुण के बेस पे बनती है तो गुणात्मक कहलाती है। इसको कहते हैं आंकड़ों के वर्गीकरण के अनुसार सारणी। ठीक है, कि आपकी जो टेबल है वो क्या दिखा रही है, टाइम के बेस पे बनी हुई है, प्लेस के बेस पे बनी हुई है, गुण के बेस पे बनी हुई है, या मात्रा के बेस पर बनी हुई है, उसको कहते हैं आंकड़ों के वर्गीकरण के अनुसार सारणी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, छोड़ जा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, बट मुझे तो पढ़ाना था। तो ये है आपका पूरा चैप्टर, प्रीवियस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपके लिए जरूरी है, और ये टाइप ऑफ टेबल पढ़ लेना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये आपका पूरा चैप्टर, इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।